जैसे कि आपने देखा होगा कि डक्की भाई ने एक ट्वीट की है जिसके ऊपर वो एक लड़की की इंसल्ट कर रहा है क्योंकि उसने एक कुत्ते के साथ फोटो खींची है जिसके ऊपर कुत्ते ने स्कार्फ पहना हुआ है अपने गर्दन पर। अब मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ कि डक्की भाई बेशक एक रोस्टर हैं लेकिन फिर भी उन्होंने क्यों इस तरह की एक ऑफेंसिव ट्वीट की, वो भी एक नॉर्मल आम सी बंदी के ऊपर। देखिए, हमारे मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है, एक बहुत आप कह सकते हैं किस्म की कंट्रोवर्सी चल रही है हमारे मुल्क के अंदर, रिलीजन और वेस्टर्नाइजेशन और इन दोनों के दरमियान में एक लोग हैं, इन तीनों की आपस में वारफेयर चल रही है। ठीक है, हमारा मुल्क ओरिजिनली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है, और उसके अंदर हमारे जो पर्पस बनता है, हमारा जो मेन पर्पस बनता है वो ये बनता है कि हम उसको कम्प्लीटली फॉलो करें, लेकिन हम उसको नहीं फॉलो करते क्योंकि हमारे अंदर वेस्टर्नाइजेशन भी थोड़ी बहुत आ गई हुई है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा आ गई हुई है। डक्की भाई का बेशक वो रोस्ट करते हैं, बेशक वो रोस्टिंग करते हैं, लेकिन उनकी रोस्टिंग करने का एक पर्पस होता है और वो होता है एंटरटेनमेंट। अब आप मानेंगे नहीं, वो हर बंदे से पहले पूछते हैं रोस्ट करने के बाद, ठीक है, ये पहली दफ़ा मेरे ख्याल से इन्होंने इस तरह किया होगा कि उन्होंने लड़की को इंसल्ट किया होगा। उसकी वजह ही है क्योंकि उसने कुत्ते के साथ फ्लैग लगाया। अब कुत्ता इस्लामिकली आपको पता नहीं है शायद इस चीज़ का कि कुत्ते को नहीं अच्छा माना जाता इतना। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये कि जिस घर में कुत्ता होता है उस घर के अंदर ना तो फरिश्ते आते हैं, और जिस बर्तन के अंदर आप कुत्ते को खिलाते हैं उस बर्तन को 7 दफ़ा धोना पड़ता है अगर आपने उसके अंदर खुद खाना। तो ये इस्लाम हमें कहता है, अगर वो बिल्ली के ऊपर लगाती तो इतना नहीं उसकी तरफ से इतना अग्रेसिव बिहेवियर आना था डक्की की तरफ से। अब मुझे पता है, मानना है कि उसने काफ़ी अग्रेसिव तरीके से उसको बोला है, शायद मेरे ख्याल से गलत मूड में था, उसको इतना हार्शली नहीं कहना चाहिए था जिस तरह उसने बोला, लेकिन यार उसने भी, लड़की ने भी गलत किया है। इफ़ यू आर लिविंग इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान यू शुड फॉलो द रूल्स एंड यू शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन नो मैटर हाउ मच वेस्टर्नाइज यू आर। अब डकी इस तरह का, अब मुझे पता है लोग काफ़ी इस तरह मुझे कहेंगे कि देखिए डकी तो रोस्टिंग करता ही करता है, तो इतना कोई वो नहीं है, फॉलोअर नहीं है रिलीजन का, ठीक है। तो देखिए मेरी बात सुनिए, इस्लाम में कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत बड़े गुनाह माने जाते हैं, जो अगर आप कुछ बाकी सारे करते हो आप वो करना नहीं पसंद करते, जितने मर्जी मॉडर्न हो आप, इनमें से कुछ इस तरह जिना होगी, रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट होगी, इसको ब्लास्फेमी कहा जाता है मुल्क के अंदर, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है, नहीं करनी चाहिए ब्लास्फेमी। जो लड़कियों का एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली वल्गर ड्रेसिंग करना, इस तरह बिकिनी वगैरह। अब देखिए इस तरह की मेन मेन जो मोटे मोटे सेंस हैं ना, जो बहुत भरे भरे हैं, वो आप नहीं करना पसंद करते चाहे आप जितने मर्जी गुनाहगार हो। तो उसने इस पर्सपेक्टिव में, इस हद में रह के उसने ये चीज़ हमें बोली है कि देखो इस तरह इसने किया है, ये टेंशन सीख कर रही है, इसने ये कुत्ते के साथ क्यों इस तरह फ़ोटो खींची है। मेरा ओपिनियन यही है कि डकी ने सही बोला है, लेकिन डकी को थोड़ा तमीज़ में रहना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि वो जिस तरह, चाहे वो बंदा हो या बंदी है, उसने उसका डिसरिस्पेक्टफुली बात की और वो उस लेवल का नहीं है। एक पब्लिक फिगर हो के उसने इस तरह इंस्टॉल किया, उसने गलत किया। लेकिन व्हेन इट कम्स टू पुटिंग द स्कार्फ ओवर द डॉग, आई आई कैन कॉन्फिडेंटली से डकी इज स्पीकिंग द ट्रूथ, ही शुड हैव डन दैट। दिस इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। कुत्तों का इस तरह पालना और इनके तो मुल्क का इस तरह झंडा डालना, इट्स एक्सट्रीमली रॉन्ग, ठीक है। अब शुक्र है कि हमारे मुल्क के जो फ्लैग है उसके ऊपर कलमा नहीं लिखा हुआ, ठीक है, सऊदीया का है उसके ऊपर तो कलमा लिखा हुआ, लेकिन आपको पता होगा कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने मोस्ट प्रोबेबली इस चीज़ को जेन में रखते हुए कि आपने एक हराम चीज़ के ऊपर, एक हराम एक्टिविटी के ऊपर झंडा बांध के, उस झंडे का मतलब क्या है, पाकिस्तान जिसका मतलब क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह, उसने मोस्ट प्रोबेबली इसलिए किया। अब बाकी जितने मर्जी दूसरे मुल्क करें, ठीक है, हमारे मुल्क ने क्यों नहीं करना, क्योंकि हम एक मुस्लिम कंट्री हैं, ठीक है, हम मुस्लिम पहले हैं एक मॉडर्न बंदे होने से, ठीक है, बाद में मॉडर्न बंदे, पहले हम मुस्लिम हैं। सो देयरफॉर आई काइंड ऑफ अग्री विद डकी भाई, लेकिन उसको थोड़ा रिस्पेक्टफुली उसको कहना चाहिए था। अदर देन डैट इट्स कम्प्लीटली फाइन, उसने जो कुत्ते वाली बात एड्रेस की है, उसने जो बोला है, उसने जो असल मीनिंग बताने की कोशिश की है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा तमीज़ से करना चाहिए था। माना वो रोस्टर है लेकिन उसको थोड़ा तमीज़ से करना चाहिए था। तो गाइज दैट्स प्रीटी मच ऑल फॉर दिस वीडियो, दैट वॉज माई टेक, माई व्यू। तो मोर वीडियोज़ टू कम सून।